नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए भारत के भूगोल से संबंधित जो विषय वस्तु उनको पढ़ना है, उनमें से भारत में भूमि दक्षता की पृष्ठभूमि विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। भारत में भूमि दक्षता की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के भूगोल पर मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक सामान्य अध्ययन भारत का भूगोल, जो लुसेंट पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, उसका चौथा संस्करण 2020 बाज़ार में उपलब्ध है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अवश्य उस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए। ये रही वो पुस्तक भारत का भूगोल। इस पुस्तक में आपको आपके सिलेबस से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु आपको भारत के संदर्भ में, भारत के भूगोल में पढ़ना है, वो सब इसमें आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आप उच्च वर्ग में जाएंगे, कहने का तात्पर्य है कि जब आप ग्रेजुएशन करके एमए में जाएंगे, वहाँ भी आपको ये पुस्तक काफ़ी मदद करेगी। और इतना ही नहीं, इस पुस्तक को पढ़ करके आप आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि आप सम्मिलित होंगे, वहाँ आपको काफ़ी मदद करेगी। क्योंकि इस पुस्तक के अंत में, हर एक चैप्टर के अंत में आप देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न परीक्षाओं का मेरा आशय है यहाँ ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक कि परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 25 से 30 वर्षों के क्वेश्चन को विषयवार और अध्यायवार अलग करके हर एक अध्याय की लास्ट में जो है सो डाला गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में और आपके ग्रेजुएशन या एमए के एग्जामिनेशन में जो आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं, जो मैंने चर्चा की कि आज हम भारत में भूमि दक्षता की पृष्ठभूमि पर जो है सो इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे कि परीक्षाओं में जो आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में भूमि दक्षता के पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह के जो, या भारत में भूमि दक्षता के पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, या वर्तमान में भारत में भूमि दक्षता के पृष्ठभूमि क्या है, इस तरह के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस विषय वस्तु को अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा। और यहाँ पर एक और उल्लेखनीय करने वाली बात यह है कि इस विषय वस्तु का पीडीएफ फाइल नोट्स बना करके मैंने महाविद्यालय के वेबसाइट पे और विश्वविद्यालय के ई लर्निंग साइट पे जो है सो भेज रखा है, और उस पर भी जो है सो ये आपको पीडीएफ के रूप में आपको जो है सो उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ से भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि भारत में जो भूमि दक्षता की पृष्ठभूमि है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भूमि दक्षता क्या है। यानी भूमि दक्षता की जो हम बात करते हैं, तो ये भूमि दक्षता का आशय क्या है, हम सबसे पहले भूमि दक्षता को जानें। भूमि दक्षता से तात्पर्य
किसी भूमि की कार्य क्षमता से है या अलग अलग भूमि में अलग अलग होती है। यह भूमि की संरचना, असलाकृति, विशेषता, मृदा जल की उपलब्धता, जलवायविक विशेषता तथा संरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करती है। इसके लिए कहीं न कहीं वनस्पति एवं भूमि के संरक्षण की नीतियां जिम्मेदार होती हैं। कहने का आशय ये है कि भूमि दक्षता से जो हमारा तात्पर्य होता है, तो भूमि की दक्षता क्या है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, जो किस जगह की भूमि कैसी है। तो भूमि कैसी है इसके लिए वहाँ की असलाकृति की विशेषता कैसी है, वहाँ की मृदा में जो है सो जल की उपलब्धता कितनी है, जलवायु की विशेषता वहाँ की कैसी है, वहाँ की मृदा संरचना कैसी है, ये सारी बातें जो होती है वो मृदा की दक्षता को निर्धारित करती है कि मृदा उस जगह की या उस क्षेत्र विशेष की मृदा की दक्षता कैसी होगी। क्योंकि किसी भी भूमि की कार्य क्षमता में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा दक्षता में गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इसी आधार पर भूमि दक्षता को तीन अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि की जो कार्य क्षमता होती है वो जो उसमें जो है सो परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भूमि पर हम कृषि करते हैं, तो लगातार एक ही फसल का उत्पादन करते रहने से जो है सो हमारा उत्पादन दर जो होता है वो घटता चला जाता है। तो जो उत्पादन दर जो घटता चला जाता है, यानी उसकी कार्य क्षमता जो घटती चली जाती है, तो उसके क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, या मृदा का अपरदन हो जाता है, या मरुस्थली क्षेत्र में आप खास करके देखेंगे कि उससे जो नज़दीक का क्षेत्र होता है वहाँ वायु अपरदन के कारण वायु जो है सो मरुस्थल से बालू को उड़ा करके जो है सो हरे भरे क्षेत्रों में जो है सो निक्षेपित करने लगती है, और उसके बगल का क्षेत्र जो है सो मरुस्थल में तब्दील होने लगता है। जैसा कि आप खास करके हरियाणा, राजस्थान के कुछ ज़िलों में आप देखेंगे कि इस तरह की समस्याएं हैं, हो रही हैं। अब जो है उसके कारण क्या होता है कि भूमि की जो है सो उत्पादन क्षमता जो है सो वो घटने लगती है, या बाढ़ आने के कारण, या कटाव के कारण, या मृदा अपरदन के कारण भी जो है सो हमारी मृदा की जो है सो कार्य क्षमता में कमी आती है। तो ये जो कमी आती है तो इससे हम कह सकते हैं कि पुनः लेकिन हम जो है सो उस कमी को विभिन्न उपायों से जो है सो ठीक कर सकते हैं। मृदा के में की कार्य क्षमता में जो कमी आई उस कमी को हम दूर भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मृदा में कमी का आना या विभिन्न उपायों से उस कमी को दूर करके पुनः उसको जो है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, इससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि मृदा की कार्य क्षमता में जो है सो गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो अब हम आगे कह रहे हैं कि ये जो मृदा में गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता पाई जाती है, इस आधार पर हम भूमि की दक्षता के तीन अवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं कि ये जो है सो इसमें जो गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता आती है इसकी मुख्य तीन अवस्थाएँ होती हैं। उसमें प्रथम अवस्था जो है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक उपयोग की अवस्था, अर्थात इनिशियल यूटिलाइजेशन स्टेज। दूसरा संरक्षण की अवस्था, कंजर्वेशन स्टेज। और तीसरा निवेश की अवस्था, अर्थात इन्वेस्टमेंट स्टेज। प्रारंभिक उपयोग की अवस्था में हमने जो बात की भूमि की प्रारंभ मैंने तीन अवस्थाओं में जो हमने उसको बांटा, तो उसमें प्रारंभिक उपयोग की अवस्था में किसी भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ की जाती है, यानी उस पर कृषि की जाती है। सामान्यतः इससे पहले उस भूमि पर वन होते हैं जिन्हें काटकर कृषि प्रारंभ की जाती है। इस अवस्था में भूमि की उत्पादकता अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भूमि की
कार्य क्षमता की अवस्था को तीन अवस्थाओं में जो हमने विभक्त किया, तो उसमें प्रारंभिक अवस्था की जो बात आती है, तब हम कहते हैं कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में भूमि पर जो है सो कृषि आरंभ की जाती है। जैसे कि हम जो है सो मानव के विकास का या कृषि के विकास का जो हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब मानव आदि मानव से जो है सो सामाजिक मानव में जो है सो तब्दील हो रहा था, वो बस्ती बना करके रहना शुरू किया था, खेती करना उसने सीखा, तो जब खेती करना उसने सीखा उस अवस्था में, खेती करने अवस्था में उसने जो है सो वहाँ पे क्या, उस जिस जगह पे उसने खेती करना प्रारंभ किया वहाँ पे वन थे, जंगल थे, उसी जंगलों को काट करके वहाँ पे उसने जो है सो खेती करना प्रारंभ किया। तो जब जंगल को काट करके सर्वप्रथम उस भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया गया, उस अवस्था में भूमि की उत्पादन क्षमता जो थी वो जो है सो काफी अधिक थी। बार बार भूमि में कृषि कार्य में उपयोग के कारण उत्पादकता में कमी आने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि की कार्य क्षमता अत्यंत कम हो जाती है। ऐसे में यह भूमि कृषि हेतु अधिक अनुकूल नहीं रहती है। मतलब कि जब हम बार बार एक ही खेत पर जो है सो खेती करते चले आ रहे हैं, सदियों से हम खेती करते चले आ रहे थे या आ रहे हैं, उस अवस्था में हम देखते हैं कि वो जो मृदा होती है, वो जो क्षेत्र होता है, वो कृषि कार्य के लिए अब अनुकूल नहीं रह जाता है। मतलब वहाँ की उत्पादन क्षमता, उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है सो लगभग नष्ट हो जाती है। ऐसी अब और वो जो क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए अब अनुकूल नहीं रह जाता है। इसके बाद मतलब कि जब वो भूमि कृषि के लिए अनुकूल नहीं रह जाता है, तत्पश्चात द्वितीय अवस्था यानी संरक्षण की अवस्था का चरण प्रारंभ होता है। इसमें कृषक भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके लिए फसल चक्र के नियमों का पालन करने के साथ ही प्राकृतिक उर्वरकों, जैविक खाद, कंपोस्ट, पशु अवशिष्ट का प्रयोग करता है। इससे उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन फिर भी उत्पादन प्रारंभिक अवस्था से कम ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो भूमि या वो क्षेत्र जो है सो द्वितीय अवस्था में आता है, तो वहां पर कृषक जो है सो वो अब भूमि का संरक्षण प्रारंभ करता है, यानी उसकी जो उत्पादन क्षमता घट गई है, उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का वो जो है सो प्रयास करता है। इस प्रयास के क्रम में हम जो है सो कृषक क्या करता है, उसमें कृत्रिम खाद, जैसे हम लोग यूरिया, पोटास, ये सब जो देखते हैं कि खेत फसल में डालते हैं, कृत्रिम खाद का प्रयोग करता है, कंपोस्ट का प्रयोग करता है, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करता है, ताकि जो है सो हम कृषि की उत्पादन क्षमता को कायम रख सकें या बढ़ा सकें। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये होती है कि इसमें हम लाख प्रयास करें भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो मृदा की जो उत्पादन क्षमता थी, उस उत्पादन क्षमता को हम जो है सो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो संरक्षण की अवस्था होती है, यानी द्वितीयक अवस्था होती है। इस क्रम में खास करके हम लोग अपने क्षेत्र में देखते हैं, किसानों को देखिएगा कि उत्पादन क्षमता बनाने के लिए कहा जाता है कि आप फसल चक्र को अपनाइए, यानी कि एक ही खेत में एक फसल को बार बार नहीं उगाइए। दूसरा कहा जाता है कि आप जो है सो साल में एक बार कम से कम उस मृदा में जो है सो दलहन की खेती अवश्य कीजिए। दलहन की खेती करने से जो है सो मृदा जो है सो काफ़ी उर्वरक होती है, फिर उसके पौधे में जो गांठें बनती है उसमें नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, वो काफ़ी मात्रा में जो है सो स्टोर होता है। और जब वो हम दलहन के पौधे को जब हम खेत में ही जो है सो जोत देना मिला देते हैं, वो सर गल के वो जो है वो कंपोस्ट जो होता है, वो जो खाद होता है, वो काफ़ी जो है सो भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो फसल चक्र को अपना करके, दलहन की खेती करके हम जो है सो उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ किसान को आप देखिएगा कि हम लोगों के इधर जो है सो एक शब्द बड़ा ही प्रचलित होता है, चौमास। चौमास का मतलब ये होता है कि कृषक के पास जितनी भूमि होती है उसमें से कुछ पार्ट को वो जो है सो 6 महीने के लिए या साल भर के लिए उस पर कृषि नहीं करता, यानी उसको आराम दे दिया, उसको जो है सो ऐसे प्रतिभूमि, जिसको हम कृषि योग्य प्रतिभूमि, जिसको जब हम मृदा का वर्गीकरण करते हैं वहाँ पर जो हमने आपने पढ़ा होगा
कृषि योग्य प्रतिभूमि, यानी कि उस पर कृषि होती है लेकिन वर्तमान में उसको परती छोड़ दिया गया है, तो वो जो परती छोड़ा जाना या उसको रेस्ट देना जो है, उसको चौमास शब्द हम लोग की तरफ के किसान उसके लिए प्रयोग करते हैं, वो जो किया जाता है वो भी जो है सो मृदा के संवर्धन में जो है सो भूमिका निभाती है, यानी ये प्रक्रिया जो है सो भूमि दक्षता की द्वितीयक अवस्था है, जहाँ पर कि हम अनुपजाऊ हो रहे हैं मृदा को पुनः जो है सो उपजाऊ बनाने के लिए कार्य करते हैं। तीसरी अवस्था निवेश की होती है। इस चरण में भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और कृषि कार्यों में भूमि के उपयोग, गैर खाद्यान्न आवश्यकता में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार इत्यादि से भूमि की कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश की आबादी बढ़ जाती है, तो आबादी बढ़ने से जो है सो बहुत सारे जो कृषि योग्य भूमि होते हैं उन पर जो है सो मानवीय आवास जो है सो हो जाता है। अब वो भूमि का बहुत बड़ा भाग जो होता है वो कृषि गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि जो होते हैं वो घटते चले जाते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो उनके आवश्यकता की पूर्ति के लिए, खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए जो है सो जो बचे हुए भूमि है उसकी हम प्रयास करते हैं कि उस पर ही हम इतना अधिक उत्पादन करें ताकि सबों का पेट भर सके, उतना उत्पादन हमें हो जाए। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए कम कृषि भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, इस लक्ष्य को पाने के लिए जब हम जो है सो उसमें विभिन्न उपाय करते हैं, तो ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम जो है सो तृतीय अवस्था यानी निवेश की अवस्था कहते हैं। निवेश की अवस्था में आप देखेंगे कि कृषि में आधुनिक संरचना निवेश जैसे उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, संकर बीज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, इससे उत्पादकता में तीव्र वृद्धि होती है, इस अवस्था में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो भूमि दक्षता है, भारत में भूमि दक्षता को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं उसके विषय में अब हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय मृदा एवं भू उपयोग संरक्षण सर्वेक्षण संगठन, मैं पुनः बोल रहा हूँ, भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1970 में भारत की भूमि दक्षता का व्यापक सर्वेक्षण किया और दक्षता की दृष्टि से भारतीय भूमि को दो वर्गों में विभाजित किया, पहला कृषि कार्य के लिए अनुकूल भूमि तथा दूसरा कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल भूमि। कृषि कार्य के लिए अनुकूल भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुकूल भूमि के अंतर्गत ऐसे भूमि को रखा गया जिस पर कृषि कार्य की जा सकती है। ऐसे भूमि को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो मृदा दक्षता का दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया, जिसमें आपने देखा कि पहला कृषि कार्य के लिए अनुकूल भूमि तथा दूसरा कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल भूमि, तो कृषि कार्य के लिए जो अनुकूल भूमि है हमारे देश में उन भूमियों को चार उपवर्गों में रखा गया है। ये है अत्यधिक अनुकूल कृषि भूमि, अनुकूल कृषि भूमि, सामान्य दृष्टि से कृषि अनुकूल भूमि तथा सामान्यतः अच्छी भूमि। अब हम सबसे पहले अत्यधिक अनुकूल कृषि भूमि पर बात करते हैं। अत्यधिक अनुकूल कृषि भूमि में काली मिट्टी, दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ भूमिगत जल स्तर अनुकूल है एवं मृदा की नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। भारत के पुराने जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में इसी के अंतर्गत आते हैं। उल्लेखनीय है कि यह भूमि देश के हरित क्रांति के भी क्षेत्र रहे हैं। यहाँ कृषि की उत्पादकता का स्तर पर अनुकूल है। यह अत्यधिक उत्पादकता एवं भूमि दक्षता वाले कृषि भूमि प्रदेश है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में काली मिट्टी और दोमट मिट्टी का जो क्षेत्र है, इसके साथ ही पुरानी जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको, ये क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल कृषि भूमि क्षेत्र में आते हैं। अब हम अनुकूल कृषि भूमि पर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्र आते हैं। यहाँ बाढ़ के बाद उपजाऊ मिट्टी के कारण फसल अच्छी होती है
इस क्षेत्र में भी उत्पादकता का स्तर अनुकूल होता है। यानी कि अनुकूल कृषि भूमि में हमने देखा कि इसके अंतर्गत हमारे देश में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें हम लोगों का भी क्षेत्र आता है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जो है सो नवीन मृदा आती है, जिसके कारण की कृषि उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र को जो है सो अनुकूल कृषि भूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। सामान्य दृष्टि से कृषि अनुकूल भूमि, इसमें तराई क्षेत्र, दून एवं कश्मीर घाटी, काली जलोढ़ मृदा, लाल जलोढ़ मृदा, गुजरात का जलोढ़ मृदा क्षेत्र आता है। यह सामान्यतः यहाँ सामान्यतः उत्पादकता स्तर अच्छा होता है। अब हम सामान्यतः अच्छी भूमि की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे देश में लाल और लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र आते हैं। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भारत में पाए जाते हैं। अब भारत में जो भूमि दक्षता का को दो भागों में हमने बांटा था, उसका दूसरा भाग जो था कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल भूमि, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कृषि की जा सकने की अधिक संभावना नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस भाग में हम वैसे भूमि को रखते हैं जिसमें कि कृषि कार्य करना लगभग असंभव है, मतलब कृषि कार्य वहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ऐसे भूमि क्षेत्र को, यानी कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल भूमि क्षेत्र को हमारे देश में चार उपवर्गों में रखा गया है। ये उपवर्ग हैं, पहला पशुचारण के लिए अत्यंत अनुकूल भूमि, दूसरा पशुचारण एवं वन के लिए अनुकूल भूमि, तीसरा पशुचारण एवं वन के लिए सामान्य अनुकूल भूमि, तथा चौथा जंगली जीव जंतु एवं वन के लिए भूमि। पशुचारण के लिए अत्यंत अनुकूल भूमि के अंतर्गत हमारे देश में मेघालय का पठार तथा गुजरात का पठारी क्षेत्र आता है। पशुचारण एवं वन के लिए अनुकूल भूमि क्षेत्र के अंतर्गत हमारे देश के वैसे पठारी क्षेत्र आते हैं जो कृषि कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। पशुचारण एवं वन के लिए सामान्य अनुकूल भूमि के अंतर्गत कच्छ कारण, राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत का पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र आता है। जंगली जीव जंतु एवं वन के लिए भूमि क्षेत्र के अंतर्गत लघु हिमालय, वृहद हिमालय, लद्दाख पठार, पूर्वोत्तर हिमालय, नीलगिरी एवं अन्नामलाई के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। भारत में भूमि दक्षता के वर्गीकरण किए जाने से कृषि भूमियों के उपयोग की नीतियां बनाने में सहायता मिली, क्योंकि भूमि दक्षता का मापन भूमि संरक्षण और भूमि में आवश्यक निवेश के लिए मापदंड के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में भारत में वर्ष 1988 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की घोषणा की गई। भूमि दक्षता के संदर्भ में टिकाऊ कृषि विकास नीति अपनाई जा सकती है, जिससे मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में वर्ष 1988 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अपनाई गई, जिसके तहत जो है सो भूमि दक्षता के आधार पर हम जो है सो मृदा में निवेश, ये तीसरी अवस्था जो होती है मृदा दक्षता की, निवेश की अवस्था, उस निवेश की अवस्था की अच्छी नीति हम बना सकते हैं। यानी कि जब हमने भारत की मृदा का की दक्षता के अनुसार वर्गीकरण किया कि हमारे देश की मृदा कहाँ की मृदा कैसी है, तो जब हम तीसरी अवस्था में निवेश की अवस्था में है तो किस मृदा पर हमको कैसा निवेश करना है ताकि हम उसकी कार्य क्षमता को या उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें, इस नीति को बनाने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि पाठ्यक्रम के छात्रों को इस विषय वस्तु को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। नमस्कार।